नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवन मुक्त आसन पे। हमारी चर्चा होगी तो पवन मुक्त आसन क्या है, ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे कि पवन मुक्त आसन, ये हमारे शरीर में कहीं भी वायु संबंधित कोई भी विकार हो, जहरीली गैसें हों, जो कुछ भी हमारे शरीर में वायु संबंधित चीज़ें होती हैं, कष्टदायी होती हैं, तकलीफदेह होती हैं, उन सभी चीज़ों को ये मुक्त करता है। इसीलिए तो इसका नाम पवन मुक्त आसन रखा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़्यादातर हमारे पेट के निचले हिस्से पे बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ये उसमें फंसी हुई जहरीली गैस जो कि बहुत ही दर्द करती है, उसमें यह बहुत ही लाभकारी होता है। ये उसको तुरंत मुक्त करता है और इससे क्या होता है कि आपके रीढ़ की हड्डी भी बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होती है, वायु गैस कब्ज एसिडिटी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। और पहले हम इसको अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे, जिसमें हम आपको करके दिखाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम पहले लेट जाएंगे। हम लेट जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसमें सीधा, उसके बाद हम पवन मुक्त आसन का अर्ध पवन मुक्त आसन करेंगे। इसमें हम पहले अपने एक पैर को उठाते हैं और उसमें हम अपने दोनों हाथों का ऐसे ग्रिप बनाते हुए इसको यहाँ से ऐसे पकड़ते हैं और फिर अपने नाक को पैरों के घुटनों से ले जाके टच कराना होता है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें ले जाके टच कराते हैं और फिर सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, हम दूसरे पैर में करेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, यहाँ से ग्रिप बनाएंगे हाथों का और यहाँ फंसाते हुए अपने सर को उठाते हुए पैर को अपनी तरफ खींचते हुए अपने नाक में लाके घुटने को टच करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारा अर्ध पवन मुक्त आसन है। आप पहले इसी पे अपनी प्रैक्टिस करें और इस पे आप प्रैक्टिस पहले करते रहें नियमित रूप से पर डे। जब आपका ये पेट तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से इस आसन को करने के लिए, आपके थाई का फैट भी धीरे धीरे करके इससे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आप जब यहाँ ग्रिप बना के इसको पकड़ते हैं इससे हमारे थाई पे बहुत ही प्रेशर पड़ता है और हमारे फ्रंट और अपर दोनों पेट पे, ये लोअर और अपर दोनों पेट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे ये भी पूरी तरीके से यहाँ का फैट भी ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको ऐसे करेंगे, मेरे दोस्तों जब आपका होने लगेगा तब आप इस पर थोड़ी देर रुकने की कोशिश करेंगे। इस पर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, आधा मिनट, जैसे आप रुक पाएँ धीरे धीरे करके आपको इस पे रुकना पड़ेगा। फिर आप इसको थोड़ा स्पीड से करें, ऐसे किया फिर ऐसे किया, इससे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, इससे आपकी हैबिट बहुत अच्छी हो जाएगी पवन मुक्त आसन के लिए। ये आप सुबह सुबह अगर इसका अभ्यास करें तो ये आपके कभी पेट में फैट नहीं बनने देता, आपके थाई में कभी फैट नहीं बनने देगा और इससे बहुत ही आपको लाभ मिलेगा आप अगर इसको करेंगे तो देखेंगे। और जब आपसे ये बनने लगे दोनों पैरों से, तब फिर आप अपने दोनों पैरों को मोड़ के पूरा पवन मुक्त आसन करें, इसको यहाँ से ग्रिप बना के हाथों से फंसाएं और इसको ऐसे ले आएं अपना सर, इससे मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही लाभ होता है। इससे अगर आपको सर्दी जुकाम इसका भी पूरी तरीके से ये समाप्त कर देता है।
एक ही आसन में पूरी तरीके से गर्मी आने लगती है आपको, और सर्दी जुकाम आपका पूरी तरीके से इससे ठीक हो जाता है। इससे और भी शरीर में बहुत सारे जो विकार हैं पेट से संबंधित जितने भी, ये मुख्य रूप से पहले पेट का यही उपचार, मेन उपचार यही है पवन मुक्त आसन। आप इस आसन को करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका बहुत ही लाभ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको कैसे करेंगे, दोनों पैरों को उठाएंगे, हाथों के ऐसे ग्रिप बनाते हुए यहाँ पे लगा लेंगे, अपने सर को आगे की तरफ ले जाएंगे घुटनों की तरफ, और घुटने अपने नाक की तरफ ले आएंगे। ये पवन मुक्त आसन है मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको करें और इसके लाभ उठाएं। तो इसको कम से कम 3 बार जरूर करेंगे हम, किसी भी आसन को कम से कम 3 बार जरूर करते हैं। इसमें अपने पैरों को उठा कर मोड़ लेते हैं और अपने हाथों का ऐसे ग्रिप बना लेते हैं, उसके बाद अपने सर को उठाते हुए घुटनों की तरफ ले जाते हैं, घुटनों को अपने हाथों के सहारे खींचते हुए अपने सर की तरफ लाते और दोनों को लाके ज्वाइन कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये क्या होता है कि आपके पेट में रक्त संचार बहुत तेज से बढ़ा देता है। पेट में जो भी नसें नाड़ियां हैं उन सबको ये सुव्यवस्थित ढंग से कर देता है, उन सब में रक्त का संचार अच्छी तरीके से कर देता है, और पेट में पाचन शक्ति को इतना तेज बढ़ा देता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, सब कुछ हजम हो जाता है। और उससे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आप समझें कि ये एकमात्र ऐसा आसन है जो पेट के उपचार के लिए सबसे प्रथम माना गया है, पवन मुक्त आसन। तो इसको आप करेंगे तो देखेंगे, इससे आपके पेट का फैट भी दूर होगा, पेट के अंदर की बीमारियां भी खत्म होंगी, चर्बी और जो टायर्स बने होते हैं ये भी पूरी तरीके से खत्म होंगे। इसको करने से सर्दी जुकाम खांसी भी खत्म हो जाती है। इसको करने से बहुत सारे लाभ होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पवन मुक्त आसन आप इसको करेंगे तो आप इसका लाभ देख पाएंगे। मैं तो यही कहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। योगा अभ्यास कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, शरीर हमारा सबसे अनमोल हीरा है, ये है तो ही संसार है, इसलिए अपने शरीर की रक्षा करना चाहिए। योग अभ्यास हमेशा हर व्यक्ति को नित्य करते रहना चाहिए। हम फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, नए योग आसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे अगर चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें मेरी वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत प्रेम आप सबको।